हेलो गाइज, मेरा नाम है विवेक और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नागालैंड की सबसे बेस्ट जगह से और उस जगह का नाम है झुकू वैली। ये जगह बेसिकली नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है, तो ये दोनों स्टेट में पड़ता है। हम यहाँ पे दिसंबर के मंथ में गए थे और यहाँ जाने के लिए आपको अप्रॉक्स 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। स्टार्टिंग का 2 से 3 किलोमीटर पूरा घना जंगल और खड़ी चढ़ाई है, जहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये ट्रैक बेसिकली बम्बू के जंगलों के बीच से गुजरता हुआ निकलता है, जो दूर से काफ़ी ग्रीन सी बेल्ट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो बम्बू के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। और देखिए हमारे संजय भाई थोड़ा स्टाइल मार रहे हैं। जैसे ही झुकू वैली का फर्स्ट नज़ारा आपको दिखता है, आपको लगता है वाह कैसी जगह पर आ गए हो, कितनी खूबसूरत सी जगह है। पहले लगता था कि लोग शायद फ़ोटो एडिट करके डाल देते होंगे या ज़्यादा ग्रीन कर देते होंगे, लेकिन यार ये जगह ही वाकई में कमाल की है। दूर दूर तक इतने खूबसूरत से पहाड़ दिखते हैं, इतना बढ़िया लगता है कि क्या ही बताऊँ आपको। बेस कैंप पहुँच के सबसे पहले हमने रूम बुक किया, क्योंकि यहाँ पे कुल 4 ही सेपरेट रूम है। उसके अलावा बड़ा सा हॉल है जिसमें आप रुक सकते हो या आप अपना टेंट भी लगा सकते हो। मैक्सिमम लोग बेस कैंप तक ही जाकर रुक गए थे, बट हम लोगों ने जो क्रॉस का मेन सिंबल था वहाँ तक जाने का डिसाइड किया। और देखिए चेहरे की खुशी वहाँ तक पहुँचने की। झुकू वैली ट्रैक के अलावा हमारा नागालैंड घूमने का जो मेन पर्पस था वो था हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि हर साल दिसंबर मंथ में होता है। ये फेस्टिवल नागा हेरिटेज विलेज में होता है, जहाँ पे अलग अलग सेटअप किया हुआ है अलग अलग ट्राइब्स का। शायद आप सोच रहे हो कि ये लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए। जब इतने सारे कैमरा फोकस कर रहे हों तो अंकल का रिएक्शन किसी हीरो की तरह तो रहेगा ही। Ladies and gentlemen, the Naga king chili is rather unique. It doesn't grow everywhere. It grows only in a certain belt of the Naga country. कोहिमा की कुछ खूबसूरत जगहों को घूमने के लिए हमने एक कैब हायर की और कैब वाले ने हमको एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बताया। तो उस जगह का नाम था पूले वाजे ट्रैक, जो कि कोहिमा शहर से आई थिंक 4-5 किलोमीटर के रेंज में ही था। और इसकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1.2 किलोमीटर थी, जो एक घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए हमको टॉप पर ले जाती है। और उस टॉप पर एक क्रॉस बना हुआ है, बेसिकली जैसे यहाँ पर अगर हम हिमाचल या उत्तराखंड में ट्रैकिंग करते हैं तो मैक्सिमम जगहों पे टॉप पे मंदिर बने होते हैं, और नागालैंड पे मैक्सिमम जगहों पे टॉप पे क्रॉस का चिन्ह बना होता है। और देखिए वहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत आ रहा है। आप पहुँचोगे वहाँ पे टॉप पे, हमको पहुँचते होते थोड़ा शाम हो गई थी, तो एक साइड से सूरज ढल रहा था, एक साइड चंद्रमा निकला हुआ था, एक टाइप थोड़ा अंधेरा तक दिख रहा था, एक टाइप उजाला दिख रहा था, नीचे पूरा कोहिमा शहर दिख रहा है। मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कभी भी जाओ नागालैंड और आपको टाइम मिले तो आपको इस ट्रैक को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और वहाँ से नज़ारे तो बहुत ही लाजवाब हैं। आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।